अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बेटा। तो जी बेटा, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, वो हमारे पास है 3x + 4 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। बेटा ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास क्वेश्चन 1 के अंदर यहाँ पे स्क्वायर रूट वहां पे नहीं था, बट यहाँ पे आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन या ऐसी स्टेटमेंट जिसके ऊपर क्या आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए या कोई भी nth रूट आ जाए, उसको बेटा हम बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेडिकल। अगर आपके पास साइन आ जाए किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल इक्वेशन। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, या आप तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। उसके बाद आप कुछ इस टाइप के एग्जांपल दे देंगे तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं, 3x + 4 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपने अब ये जो रेडिकल साइन है बेटा, इसे खत्म करना है। ये खत्म कैसे होगा, स्क्वायर रूट को अगर आपने ऑफ करना है तो उसके लिए बेटा आपको स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों साइडों पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 4 इज इक्वल टू 2। तो हम यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का भी स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये जो आपका स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को कट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास जो अंदर हमारे पास रेडिकेंड है 3x + 4 ये बच जाएगा जी बेटा। अब आपने इसको सिंपल, आपके पास मान लें कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसको बस आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म होती है आपने उसको उस दूसरी साइड पर शिफ्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल बचेगा 3x = 4, यहाँ पे प्लस का था, इधर आके होगा -4 - 4 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा 0। सो 3x = क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब बेटा आपने करना यह है कि आपके पास ये 3 जो है x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा डिवाइड। तो ये आपके पास बनेगा x = 0/3। 0/anything क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो x हमारे पास क्या आ गया, x हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू 0 है बेटा, अब आपने इसको चेक भी करना है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस रूट, आपने एक्सट्रेनियस रूट भी निकालने हैं अगर पॉसिबल होते हैं तो। अब वो क्या होते हैं, ऐसे बेटा नंबर या ऐसा आंसर x का जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई ना करे, ठीक है, चेक करने के बाद, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रेनियस रूट। इसको बेटा यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब आपने हर क्वेश्चन में जहां पे लिखा हुआ हो कि चेक फॉर एक्सट्रेनियस रूट, तो आपने जो आंसर आया है उसको चेक भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे चेक, आप प्रॉपर मार्कर से बेटा इस हेडिंग देंगे चेक। ठीक है, तो एक्स हमारे पास क्या है 0, ये एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है जो आपका क्वेश्चन वाली जो स्टेटमेंट है वहां पे। ठीक है, जो इक्वेशन है ये आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3x आपके पास 0 + 2 = यहाँ पे +4 = 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें, 3 0 0, सो स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 4 = 2। तो ये आएगा स्क्वायर रूट 4 = 2। इसको बेटा आपने जस्ट सॉल्व करना है, स्क्वायर 4 क्या होता है 2 होता है, तो 2 बेटा इक्वल आ गया किसके 2 के। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आपकी दोनों साइडों पे नंबर सेम आ जाए, ठीक है, तो ये बेटा आपका जो रूट आया है ये क्या है, ये हमारा आंसर है, ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। एक्सट्रेनियस रूट वो होता है जो हमारे पास अगर इस साइड पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर पड़ा हुआ है जो राइट साइड पे उसके इक्वल ना आए, उसको बेटा हम बोलते हैं एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, उस नंबर एक्स को जो हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रेनियस रूट बोलेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वल आ गया तो ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, तो हम सिंपल अब क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा 2, आपका ये आएगा बेटा एक्स की वो वैल्यू आपने पुट की है 0, तो यहां बेटा हम क्या लिखेंगे 0। ठीक है, जिसको आपने पुट किया है और जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी
उसको बेटा आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट में, और वो यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट है उसको ट्रू भी करे, तब वो आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, सॉल्यूशन सेट में आएगी, अदरवाइज वो नहीं आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रेनियस रूट बोलेंगे। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद बेटा हम इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं। जी बेटा, सेकेंड पार्ट हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 4, क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 4 बाहर है स्क्वायर से माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा आपने सॉल्व करना है। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो नंबर स्क्वायर रूट फ्री है या सिंपल रूट फ्री है, ठीक है, रेडिकल फ्री आप कह लें, यहाँ पे है माइनस 2, इसको बेटा आपने इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये आपके पास बनेगा क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पावर 3 तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट, ठीक है, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, इधर क्या हो रहा है माइनस, इधर के साइन से क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, 2 बच जाएगा, 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, अब 2 ही आएगा। अब बेटा आपने ये रेडिकल जहाँ पे है क्यूब रूट है इसे ऑफ करना है। ये ऑफ कैसे होगा, After taking cube on both sides, यहाँ पे था square root, तो हमने square apply किया है, यहाँ पे है cube root, तो आपने cube apply करना, तो ये हमारे पास आएगा taking cube, taking cube, तो ये बेटा हमारे पास आएगा cube of 2x minus 4, ठीक है, whole cube इज इक्वल्स टू 2, इधर है इसका भी क्यूब लेंगे आप, ठीक है, तो ये जो आपके पास क्यूब है ये इस क्यूब रूट को कट कर देगा, तो क्या बचा 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू सिंपल 2 बच गया, ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो आपके पास सिंपल 4 है इधर प्लस हो रहा है नेगेटिव, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, सो 2x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 बिकम 6, ठीक है, एंड 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा 6 ओवर 3 एंड x इज इक्वल टू 2 बेटा। अब ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, अब आपने इसको चेक भी करना है, जब आप इसको चेक करेंगे तो ये x इज इक्वल टू आपने कहाँ पुट करना है, आपकी जो मेन इक्वेशन जो आपका क्वेश्चन वाइज स्टेटमेंट वहां पे आपने इसको पुट करना है, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा, यहाँ पे हेडिंग दे आप चेक, तो ये बेटा हमारे पास आएगी क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स x हमारे पास उसके बाद है, तो x की हमारे पास वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे सिंपल 2 पुट करेंगे माइनस 4, इसके बाद यहाँ पे है माइनस 2 स्क्वायर रूट के बाहर, क्यूब रूट के बाहर इज इक्वल टू 0, इसको जस्ट आप सॉल्व करेंगे, अगर आंसर आपका इक्वल आ गया 0 के तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये ट्रू कहलाएगी, ठीक है, अब इसको आप जस्ट सॉल्व करें, तो ये 2 टू 4, 4 माइनस 4 क्यूब रूट माइनस 4 माइनस 2 बेटा बाहर है इज इक्वल्स टू 0, तो ये बेटा आपके पास 4 माइनस 4 क्या होता है, 4 माइनस 4 आपके पास 0 होता है, 0 का आप क्यूब रूट लेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो ये बेटा हमारे पास आएगा 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो इक्वल नहीं होता, तो इट मीन्स ये हमारे पास इक्वल आंसर नहीं आ रहा, ये जो हमारी स्टेटमेंट है इस केस में 2 नहीं है, तो हम ये कहेंगे ये जो आपके पास x इज इक्वल टू 2 है ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है, ठीक है, ये आपकी जो स्टेटमेंट है उसको ट्रू नहीं करता, उसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है, तो आपके पास एक ही आंसर था वो भी रूट नहीं बना, तो इट मीन्स आपका सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, वो अब एम्प्टी आएगा, ठीक है, अगर ये यहाँ पे ट्रू कर देता तो तब हम इस ट्रू को यहाँ पे लिखते हैं, बिकॉज इसने ट्रू नहीं किया, अब ये नहीं आएगा, तो इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, वो एम्प्टी आएगा, तो ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इसके बाद बेटा हम इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं, तो जी बेटा अब इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसका बेटा आपने सॉल्व करना, तो फर्स्ट टाइम में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही, ठीक है, पहले आपने ये आपका रेडिकल फ्री नंबर है माइनस 7, इसका बेटा आपने इस साइड पे शिफ्ट करना है, तो इसका साइन यहाँ पे है नेगेटिव का, इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 7, ठीक है, अब आपने इस रेडिकल को ऑफ करना है, तो उसके लिए आपको स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर
टेकिंग स्क्वेयर। तो ये बेटा हमारे पास आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सेवन स्क्वेयर। ठीक है, अब ये जो आपका स्क्वेयर है स्क्वेयर रूट से कट जाएगा, x माइनस थ्री बचा और सेवन का स्क्वेयर क्या होता है बेटा 49, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू 49। अब इस थ्री को बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका साइन क्या है माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 49 प्लस थ्री इज इक्वल टू 52 आ जाएगा। सो x हमारे पास क्या आ गया, x हमारे पास 52 आया है। ठीक है, बट आपने अभी इसको चेक भी करना है। ठीक है, जब चेक करेंगे तो आप पुट करें इसको, तो ये बेटा हमारे पास है x की वैल्यू क्या है 52, वो आप यहां पुट करें 52 माइनस थ्री, उसके बाहर क्या है हमारे पास यहाँ पे माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो बेटा आपका लेफ्ट साइड का आंसर इक्वल आ गया जीरो के, तो इट मींस ये हमारा रूट कहलाएगा। ठीक है, तो इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं। 52 माइनस थ्री क्या होता है 49 का स्क्वेयर रूट माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। 49 का स्क्वेयर रूट क्या होता है 7। ठीक है, सिंपल 7 माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, यस जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है जीरो, यानी कि 7 माइनस सेवन क्या होता है जीरो, दोनों आंसर सेम आ गए। तो इट मींस हमारा जो सोल्यूशन है वो ट्रू है, जो हमारा रूट है वो आपका सोल्यूशन सेट में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल देखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या होगा, ये आ जाएगा, हमने क्या पुट किया है 52, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है इसका एक रूट आ गया इस इक्वेशन का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बेटा सोल्यूशन सेट है। ठीक है, इस तरह बेटा आपने ये जो क्वेश्चन है रेडिकल वाले ही आपने सॉल्व करने, इसके बाद बेटा इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपने खुद करना है। नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, जो फिफ्थ पार्ट है उसमें आपने क्या करना है, उसमें देखिए दोनों तरफ आपको क्या गिवन है, दोनों तरफ आपको क्यूब रूट गिवन है, तो आपने वहां पे दोनों तरफ जब आप उसका क्यूब लेंगे तो वो जो क्यूब रूट है वो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। तो आपने जस्ट उसको फिर ले लिया, जो इक्वेशन है वैसे ही सॉल्व करना है। तो इसके बाद अगर हम देखें इसका सिक्स पार्ट बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही है। अब बेटा हम इसका जो लास्ट टू पार्ट्स हैं सेवेंथ और एट, उनको हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा, अब इसका जो नेक्स्ट हमारे पास सेवेंथ पार्ट है वो हमारे पास है स्क्वेयर रूट ऑफ 2t प्लस 6 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेटा अगर आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ जाए तो हमने क्या करना है, हमने ये जो आपके पास रेडिकल जो आपके पास एक्सप्रेशन है 2t माइनस 5, इधर इसका साइन क्या है माइनस का, जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम बेटा आपने ये काम करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 2t प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2t माइनस 5। ठीक है, अब आपके पास इधर भी स्क्वेयर रूट है और इधर भी हमारे पास स्क्वेयर रूट है, तो हमें ऑफ करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बोथ साइड हमें स्क्वेयर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल लेंगे टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 2t प्लस 6, ठीक है, इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2t माइनस 5 का स्क्वेयर बेटा। ठीक है, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास स्क्वेयर हैं वो स्क्वेयर रूट से कट जाएंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 2t माइनस 5। ऐसे ही बेटा आपने जो आपके प्रीवियस जो हमने टू पार्ट्स की बात की थी ना, आपके पास जो पार्ट नंबर है इसका बेटा 5 और 6, ठीक है, वो भी आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास जब उन दोनों तरफ उनका क्यूब लेंगे तो जो क्यूब रूट्स वो कट जाएंगे, तो इस तरह की आपके पास बन जाएंगी स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब आपने बिल्कुल इन्हें सॉल्व करना, जो वेरिएबल्स हैं उन्हें आप एक साइड पर लें और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें आप एक साइड पर लें। ठीक है, 2t इधर भी है, 2t इसको इधर लें, 2t माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस 5, और ये जो आपका प्लस का 6 है इधर आके होगा माइनस का 6। ठीक है,
अब देखिए 2t माइनस 2t क्या आएगा, 0। इट्स नॉट इक्वल्स टू माइनस 11। 0 इज नॉट नेवर इक्वल्स टू माइनस 11। तो जब आपके पास वेरिएबल था वो बेटा कैंसिल हो जाए तो आपका जो सोल्यूशन है डज नॉट एग्जिस्ट, या आप कह लें सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ आप सिंपल लिखते हैं सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ठीक है, सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी सेट। ये आपके पास इसका आंसर है। इसके बाद बड़ा लास्ट पार्ट हम उसको देखते हैं। तो जी अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, उसके बाद हम देखते हैं वो हमारे पास क्या है। x प्लस 1 ओवर 2 x प्लस 5 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। बेटा इसको हमने सॉल्व करना है। तो बेटा फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना होगा, आपने स्क्वायर रूट को होल स्क्वायर रूट है इसे ऑफ करना होगा। ऑफ कैसे होता है, बाय यूजिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, ताकि इधर का आप स्क्वायर लेंगे तो इधर भी आपको देना पड़ेगा। तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आपके पास स्क्वायर रूट है इस k से कट जाएगा, तो सिंपल आपके पास आएगा x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा आपने सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ये जो आपके पास 2x प्लस 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 2x प्लस 5। ठीक है, अब आपने सिंपल ब्रैकेट ऑफ करने, यानी कि परेंथ ब्रैकेट ऑफ करके आपने इसको अंदर करना है। मल्टीप्लाई 4 टू 8x प्लस 4 5 20 is equals to x plus 1। अब वेरिएबल्स को बड़ा आपने एक साइड पे लेके आना और कॉन्स्टेंट को एक साइड पे, 8x यहाँ पे ले आए, तो ax is equals to x minus 8x is equals to 20 minus 1 हो जाएगा। 1 यहाँ प्लस का था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। सो यहाँ पे आएगा minus 7x is equals to 19 and x is equals to क्या आएगा 19 over माइनस 7 या माइनस 19 ओवर 7, बिकॉज ये जो आपका नेगेटिव का नीचे साइन है इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 19 ओवर 7। अब ये बड़ा हमारे पास x का आंसर आ गया। आंसर क्या ये सॉल्यूशन सेट में आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए बेटा आपने चेक करना होगा। चेक हम करेंगे इसको, ठीक है। अब तो जी बेटा अब इसको हम पुट करेंगे, यानी चेक करेंगे। चेक जब करेंगे तो आप सिंपल मार्कर से बेटा हेडिंग देंगे चेक। ठीक है, चेक में आपने जो आपका आंसर है x इज इक्वल टू माइनस 19 ओवर 7, ये आपने कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वहां पे आपने पुट करना है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x हमारे पास क्या है माइनस 19 ओवर 7 प्लस 1। ठीक है, और नीचे भी आपने पुट करना है, तो ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स x हमारे पास है माइनस 19 ओवर 7 एंड प्लस 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2k। आपने इस सारे को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आंसर 2k इक्वल आ गया तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो ये रूट है ये सोल्यूशन सेट में आएगा। दो सो इसको चेक करते हैं। यहाँ पे आप ऊपर जो आपके पास फ्रैक्शन है इसका 1 के साथ हम ऐसे ही लेकर सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 19, इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा 7, एलसीएम आ गया 7, यानी कि ये 7 जा 7 प्लस 7 और ये 19 आपका वैसे ही आएगा विद नेगेटिव साइन। नीचे भी आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 7 एलसीएम आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 को आप करेंगे 19 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये आएगा माइनस 38 और 7 7 कैंसिल। अब ये 7 5 से मल्टीप्लाई होगा, 7 5 जा 35। बड़ा सिंपल आपको मैं बता देता हूँ,
कि आपने जो जिसके लिए 7 होगा ना वो आपने वैसे ही लिखना है ऊपर, ठीक है। लाइक यहाँ पे इसके था नीचे 7, वो 7 ऐसे में तो आएगा ही। अब जब इसका एलसीएम लेंगे हम दोनों का, तो ये जो जिसके ऊपर 7 है ना, जिसके लिए 7 है वो ऊपर वाला वैसे का वैसे ही आता है। ये 7 इसके साथ होता है मल्टीप्लाई, 7 × 7, ठीक है। और ये आपका एलसीएम था। अब नीचे भी हमारे पास 7 है और यहाँ पे इसके नीचे 1 है, तो 7 और 1 का एलसीएम 7 ही आता है। अगेन बेटा आपने जिसके नीचे 7 है वो ये दोनों है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वैसे के वैसे ही आएंगे, 19 × 2 आप कर देंगे, ठीक है। और ये 7 × 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई 7 × 5 = 35 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है, ये जो 7 है इस 7 से कट जाएगा, ऊपर भी अगर फ्रैक्शन हो नीचे भी फ्रैक्शन हो दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम हो वो कट जाते हैं, ठीक है। और ये बेटा हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, ये इक्वल है 2 के, ठीक है। इसको जस्ट बेटा आप सॉल्व कर लें, ये हमारे पास आएगा −19 + 7, तो क्या बचता है −12, और यहां पे हमारे पास 38 माइनस का प्लस का 35, तो क्या आएगा −3 आएगा। माइनस से कैंसिल नेगेटिव, 3 × 1 = 3, 4 × 2, ये 2 वैसे चला साथ साथ, 3 × 4 × 2, तो 4 जस्ट बचेगा हमारे पास √4, तो √4 बेटा हमारे पास क्या होता है, वो बेटा हमारे पास सिंपल कह लें कि 2 ही होता, यहाँ पे आएगा 2, यानी कि √4 आप लिख लें यहाँ पे, √4 = 2, यहाँ पे चल रहा है, तो ये 2 होता है, किसके इक्वल आ गया, 2 के ही इक्वल आ गया। तो इट मीन हमारा जो आंसर है, जो रूट आया था −19/7, वो जो आपकी इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करवाता है। तो इट मीन जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा उसमें यही रूट आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू −19/7, ये बेटा हमारे पास इसका आंसर है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। इसके साथ ही हमारी 7.1 बेटा फिनिश होती है, ख़त्म होती है, ठीक है। होप्स आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी अंदाज में हो गई होगी। अब जो पार्ट हमने नहीं किए बेटा वो आपने खुद सॉल्व करने, आसान है ऐसा सच मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। फिर भी आप अगर कोई पार्ट सॉल्व ना कर पाएँ तो वी आर अवेलेबल ऑन द ऐप, ठीक है, फॉर योर हेल्प। तो आप इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपको आंसर बताएंगे, ठीक है, समझाएंगे भी। तो इसके साथ ही अब हम एंड करते हैं अपनी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।